हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग हमारे चैनल इंस्टाग्राम में। तो दोस्तों चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर जाना, पास में दिख रहा है बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज को वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला चैनल है मोबो टीवी। तो दोस्तों मोबो टीवी की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर दोस्तों आप मोबो टीवी की आस लगाए बैठे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मोबो टीवी नहीं आने वाला है। जी दोस्तों, ये पहले शिवन छतरी पे हमें देखने को मिलता था, अभी वहाँ से भी ये रिमूव कर दिया गया है। जी दोस्तों, डीडी फीड पर नहीं ऐड होने वाला है। जी दोस्तों, ये चैनल हमें 42 ऑक्शन में देखने को नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों यही सच है, तो कमेंट में ये मत बोलना कि फेक वीडियो है। तो दोस्तों दूसरा चैनल है बी फॉर यू प्लस, जो कि एक हिंदी चैनल एंटरटेनमेंट चैनल है, साथ में ये मूवी भी प्रसारित करता है। तो दोस्तों ये चैनल हमारे 42 ऑक्शन में ऐड हो सकता है। जी दोस्तों, ये चैनल हमारे 42 ऑक्शन में देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ बी फॉर यू हिट्स नाम का चैनल है, वो भी हमें 42 ऑक्शन में देखने को मिल सकता है। हालांकि बी फॉर यू हिट्स चैनल अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, पर आने वाले दिनों में लॉन्च होकर डीडी फ्रीडी से 42 ऑक्शन में भाग ले सकता है। तो बात की जाए तीसरे चैनल की, तो डीडी किड्स ये चैनल बहुत जल्द डीडी फ्रीडी पर लॉन्च होने वाला है। हालांकि इसकी कोई खबर निकल कर नहीं आ रही है कि ये 42 ऑक्शन में ऐड होने वाला है या नहीं होने वाला, पर दोस्तों ये आने वाले दिनों में 42 ऑक्शन में ऐड होने वाला है। अगर दोस्तों बाई चांस 42 ऑक्शन में ऐड नहीं हो पाए तो ये 42 ऑक्शन के बाद भी ऐड हो सकता है, क्योंकि ये डीडी का खुद का चैनल है, ये कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों अगले चैनल की बात की जाए तो रिश्ते सिनेप्लेक्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या रिश्ते सिनेप्लेक्स लॉन्च होने जा रहा है? तो दोस्तों रिश्ते सिनेप्लेक्स लॉन्च तो होने जा रहा है, ये तो वीकोमेटिन की तरफ से खबर निकल कर आ गई, पर दोस्तों ये अभी तक ये खबर नहीं आई कि ये चैनल कब लॉन्च होने वाला है। हालांकि ये शिवर छतरी पर भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों कब लॉन्च होने वाला है? दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिश्ते की। तो क्या रिश्ते चैनल यानी रिश्ते सिनेप्लेक्स के साथ आ रहा है? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, रिश्ते अब कभी डीडी फ्रीडी पर नहीं आने वाला है। जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रिश्ते की अच्छी खासी टीआरपी हासिल हो रही है, तो ये डीडी फ्रीडी पर क्यों ऐड होगा? क्योंकि ये पैड वाले डीटेल्स पे देखे जा रहे हैं, तो क्यों डीडी फ्रीडी पर ऐड होने वाला है? तो दोस्तों बस यही है कि रिश्ते ये डीडी फ्रीडी वापस से ऐड नहीं होने वाला। और दोस्तों रिश्ते सिनेप्लेक्स ऐड 42 ऑक्शन हो भी सकता है और आने वाले दिनों में भी ऐड हो सकता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्टार भारत की और जिन मॉल की। तो दोस्तों स्टार भारत एक पेड चैनल है, जो कि पहले भी पेड चैनल जो कि लाइफ वॉक के नाम से चलता था, फिर इसे रिप्लेस करके स्टार भारत में बदल दिया गया। तो ये डीडी फीड पर टीआरपी के लिए ऐड किया गया था, जो कि अभी पेड चैनल वापस से हो गया और ये टीआरपी लिस्ट में भी आ रहा है। तो दोस्तों इसके सपने देखने छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चैनल 100% डीडी फीड से कभी भी ऐड नहीं होने वाला है। तो दोस्तों अब जिन मॉल की बात कर ले, तो जिन मॉल इसकी भी टीआरपी अच्छी खासी आ रही है, अभी तक तो कोई खबर निकल कर नहीं आ रही कि जिन मॉल 42 ऑक्शन में ऐड होने वाला। तो दोस्तों आने वाले दिनों में 43 ऑक्शन में जिन मॉल ऐड हो सकता है, पर अभी उसकी कोई भी खबर निकल कर नहीं आ रही है कि 42 ऑक्शन में ऐड होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नवग्रह टीवी की। तो दोस्तों ये फूड फूड टीवी हमें 42 ऑक्शन में देखने को मिल सकती है, क्योंकि 41 ऑक्शन में भी भाग लेने वाले थे, पर किसी रीजन के कारण ये भाग नहीं ले पाई। तो 42 ऑक्शन पक्का है। दोस्तों अब नवग्रह की बात करें तो नवग्रह टीवी एक धार्मिक चैनल है, जो कि डीडी फीड पर 42 ऑक्शन में ऐड हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, पास में दिख रहा है बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।